लगातार तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बहुत करीब तक जरूर पहुंचे लेकर महागठबंधन को, लेकिन फिनिश लाइन से कुछ पीछे ही छूट गए और यही है बड़ा सवाल। साधना भारती जी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, आप अपनी बात भी रखें और मेरे सवाल का भी जवाब अगर आप सीधे तौर पर देंगी तो अच्छा होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना ही महागठबंधन के लिए मुश्किल हो गया, आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया? ये सवाल ही आपका बहुत अजीब है कि किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया, ये कैसा सवाल है? देखिए, ये चुनाव है, राजनीति है, बहुत सारे मुश्किल पैदा कर दी आपने आरजेडी के लिए। साधना जी, मैं आपको अजीब सवाल को और थोड़ा बेहतर समझा देती हूँ। आपने मुश्किल पैदा कर दी आरजेडी के लिए क्योंकि आरजेडी का स्ट्राइक रेट आपसे बहुत बेहतर है। आपने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और आप 20 सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं। आप अपनी पिछली बार की सीटों से भी कम सीटें लेकर आ रहे हैं, यानी आपने नुकसान पहुंचाया। उन सीटों पर अगर आरजेडी चुनाव लड़ती तो क्या उसको फायदा होता? और आपने उन सीटों पर चुनाव लड़ा, इस वजह से क्या महागठबंधन को नुकसान हुआ? यह है मेरा सीधा सवाल। मैं आपका सवाल समझ गई, लेकिन मैं फिर वही कहूंगी, राजनीति में बहुत सारे दल मिलकर गठबंधन तैयार करते हैं। अब उसमें जरूरी नहीं है कि सभी पार्टियां जीते और कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार है। ठीक है, हम विचार विमर्श करेंगे, मंथन होगा, किस वजह से ये कमी रह गई, क्या कमी कली, लेकिन आपके टेलीविजन पर ही मंथन नहीं किया जा सकता ना समायरा जी। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, अभी आदरणीय जेटली जी बोल रहे थे कि ये सुबह से मिठाई बांटने पे तुले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं सुबह से ये कह रही हूँ, टेलीविजन चैनल पर मंथन ना करना चाहे, लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे ना, जो सवाल उठकर सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इन नतीजों से। मैं तो पूछूंगी आपसे, आप भले ये कह सकते हैं कि मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकती। देखिए, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, यही जवाब दिया जा सकता है कि इसका मंथन होगा, इस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन ये कह देना कि आपकी वजह से नुकसान हो गया या आपकी, ये हमारा अंदरूनी मामला, इस पर चर्चा की जाएगी, क्या कमी है, कौन सी बातों में, ये चर्चा का विषय है समायरा जी। दूसरी बात ये कि बहुत जल्दी हार के लिए पटाखे फोड़, जीत के लिए पटाखे फोड़ देना और हार के लिए किसी के सर पे ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी सुना, देर रात का समय दिया उन्होंने कि देर रात तक नतीजे सामने होंगे। दूसरी बात ये, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभी भी अगर प्रश्न आरजेडी 85 से 90% तक वोटिंग हो चुकी है साधना जी, और अभी अभी जितने नतीजे सामने आ गए हैं, जो बढ़त है उसमें एनडीए आगे है। अगर अगर इसी तरह से रुझान आगे जाते रहेंगे तो फिलहाल एनडीए आगे दिखाई दे रहा है, तो हम तो उसी पर, और हम सब चर्चा करने के लिए ही बैठे ना, आप और हम चर्चा ही तो कर रहे हैं, चुनाव के नतीजों पर ही चर्चा कर रहे हैं। प्रवक्ता के नाते बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रही हूं, अगर देखिए अगर रुझान हमारे खिलाफ रहेंगे तो मैं यही आपको बधाई दे दूंगी राजीव जेटली जी को, और नहीं होंगे, मेरे पक्ष में जाएंगे तो इनसे बधाई ले लूंगी। मैंने यही तो कहा और अभी भी मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को लगातार लूटतंत्र बनाया, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे ये राजस्थान में कोशिश की गई हो, चाहे बिहार में 2015 में जो हमने देखा, रातों रात लोकतंत्र की हत्या का अभियान चलाया गया भाजपा के द्वारा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।